आय से अधिक संपत्ति के मामले में पाटलिपुत्र डिवीजन के कार्यपालक अभियंता मदन कुमार के गोल रोड स्थित आवास और कार्यालय पर निगरानी ब्यूरो ने छापा मारा। इस दौरान निगरानी की टीम ने अभियंता के ठिकानों से लाखों रुपए बरामद किए। उन पर आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज है, जिसकी निगरानी ब्यूरो जांच कर रही है। निगरानी ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया। इसके बाद दोपहर से छापेमारी शुरू हुई। वहीं निगरानी ब्यूरो ने कहा कि अभियंता ने वार्षिक संपत्ति के विवरण में निवेश का उल्लेख नहीं किया है। मदन बाबू के कार्यालय में की गई है, क्या कुछ सूचनाएं थी और क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? इनके खिलाफ डीए की जांच चल रही थी। डीए में अकूत संपत्ति पता चला है। उसके बाद इनके घर पर और ये कार्यालय में छापेमारी चल रही है। कार्यालय में अभी छापामारी जारी है। अकाउंटेंट का कैशियर नहीं है और लेखा पदाधिकारी के सामने रूम को खुलवा करके इसका देखा जा रहा है। अब आगे सर्च में जो मिलता है देखा जाए। कितने गबन का अभी तक बरामदगी नहीं है। हाँ, प्रोसेस में है सर। कहाँ चल रही है छापेमारी? इनके आवास पर चल रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गोला रोड स्थित इंजीनियर के घर और ऑफिस में एक साथ छापेमारी चल रही है। निगरानी विभाग की छापेमारी में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। कई कागजात भी मिले हैं जिसकी जांच चल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।